मेरी वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा, ये है हमारे पास ऑटोकॉप की सेंटर लॉकिंग। मैं आपको इसकी वायरिंग की डायग्राम के बारे में बताऊंगा, रीसेट कैसे करते हैं और जो इसकी रिमोट की प्रोग्रामिंग होती है, इसकी रिमोट की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, इसका रिमोट जो हम मैच करते हैं वो कैसे करते हैं, और इसको जो हम रीसेट करते हैं रीसेट कैसे करते हैं, और इसकी कौन सी वायर कहाँ पर लगेगी, मैं आपको पूरा फुल बताऊँगा इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास ये इसकी वायर आ गई, मैं आपको बताऊँगा। ये दो वायर आसमानी रंग की, ये आ गई हमारी इंडिकेटर की, ये हमारी इंडिकेटर की वायर आ गई, ये दो आसमानी रंग की। अच्छा, फिर हमारे पास ये ब्लैक वाली वायर, ये लगेगी हमारी अर्थ पे वायर लगेगी ये वाली। फिर एक आ जाती है इसमें हमारी ऑरेंज वाली वायर, ये देख सकते हैं आप, ये ऑरेंज वाली वायर जो है ये है हमारी इग्निशन की, ये हमारी इग्निशन की वायर है। और इसमें एक ग्रे कलर की वायर है और एक ग्रीन कलर की वायर है, ये दोनों हमारी डोर स्विच की वायर है। और ये देख सकते हैं एक आप, ये जो ब्राउन रंग की वायर है ये हमारी बर्नर स्विच की वायर है। अब मैं सबसे पहले इसको आपको बताता हूँ। और जो ये हमारी जो इसमें येलो रंग की वायर है हमारी सायरन की, जिससे हमारा सायरन चलेगा, ये हमने लगा दी सायरन पे। ये आगे हमारी अर्थ, ये आगे हमारा फ्यूज जो मेन लगेगा हमारा बैटरी में, ये हमने इसको यहाँ पे कपड़ा लगा दिया इसका। और ये हमने यहाँ पे लगा दिया इसको अच्छे से, ये हमने लगा दी इसमें मेन सप्लाई, ये आ गया हमारा पॉजिटिव और ये आ गया हमारा ग्राउंड अर्थ। ये देखिए, ये हमारी ग्रे कलर की वायर आ गई, ये है हमारी डोर स्विच की वायर है। ये हमारा अभी सिक्योरिटी मोड पे है, इसको सिक्योरिटी मोड से बाहर कैसे निकालेंगे, जैसे ही मैं डोर स्विच की वायर लगाऊंगा इसमें तो ये हमारा सायरन बोलना शुरू हो जाएगा। तो इसको उससे सिक्योरिटी मोड से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमें इसका सॉकेट है हम एक बार सॉकेट को बाहर निकालेंगे और जैसे ही हम डालेंगे सॉकेट को दोबारा वापस लगाएंगे तो ये हमारा सिक्योरिटी मोड से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये जैसे ही मैं डोर स्विच की वायर लगाऊंगा ये हमारा सायरन बोलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये सॉकेट मैंने बाहर निकाला, सायरन बंद हो गया, जैसे ही मैं इसको वापस लगाऊंगा ये हमारा सिक्योरिटी मोड से बाहर निकल चुका होगा। ये देखिए, ये हमारा सिक्योरिटी मोड से बाहर निकल गया, ये हमारी वायर लगी है डोर स्विच पे। अब ये है हमारे पास रिमोट, ये हमारा रिमोट वर्किंग कंडीशन में है पर ये चल नहीं रहा। अब इस रिमोट को हम मैच कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे और एक साउंड आएगी, लंबी साउंड आएगी, उसके बाद हमें डोर स्विच 5 बार इसको हम प्रेस करेंगे, फिर एक साउंड और आएगी, फिर हमें लॉक या अनलॉक का बटन हमें दबाना है तो हमारा उससे रिमोट मैच हो जाएगा। हमारी ग्रे कलर की वायर है, ये है हमारी डोर स्विच की, ये हमारी डोर स्विच पे लगी हुई होनी चाहिए, फिर ही हमारा रिमोट मैच होगा। और ये हम इस पर इग्निशन को जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमारे एक बीप की साउंड आएगी। ये देखिए, ये हमने इग्निशन वाली वायर लगा दी, अब एक बीप की साउंड आएगी। अब हमें डोर स्विच 5 बार प्रेस करना है, ये 1 2 3 4 ये 5। अब हम रिमोट का कोई बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए, ये एक रिमोट, ये दूसरा रिमोट। अब हम इग्निशन वाली वायर को भी बाहर निकालेंगे, ये देखिए, ये हमने किया इसको लॉक, ये लॉक हो गया, ये किया हमने इसको अनलॉक, ये अनलॉक हो गया। ये इस तरह हमारे रिमोट की मैचिंग हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।